शिक्षक साथियों नमस्कार, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पे, और आज हम बात करेंगे डाटा संकलन प्रपत्र यानी डीसीएफ फॉर्म भरना है वो भी ऑफलाइन यानी यूडाइस प्लस सत्र 2020-21। ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी मुख्यालयों को मिल गए हैं और ये सब स्कूल तक पहुंच गए हैं और अब बारी है इनको भरने की। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये एक ऐसा प्रपत्र होता है, ये आप समझ सकते हैं स्कूल एट ए ग्लांस, मतलब एक स्कूल का जो है पूरा खाका तैयार किया जाता है और ये भारत के सभी स्कूल जो भी कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के हैं उनके लिए तैयार किया जाता है। प्रत्येक स्कूल के लिए अलग एक यूडैस कोड आपके भी विद्यालय का मिला होगा, जैसा कि हमारे पास एक ये स्कूल है जिसका यूडैस कोड ऊपर लिखा गया है जो आपको अभी मैंने करके दिखाया। तो ये प्रपत्र आपको मिल गया है और ये 2020-21 का है और 30 सितंबर 2020 तक जो सूचनाएं पिछली थी वो सारी सूचनाएं, बहुत सी सूचनाएं इसमें भरी रहेंगी और इसमें कुछ नई सूचनाएं आपको अंकित करनी होंगी। जैसे कोई नया अध्यापक आ गया है, या आपने फर्नीचर खरीद लिया, या कोई नया अतिरिक्त भवन बन गया है, या फिर आय व्यय का चाहे विवरण हो, मतलब ढेर सारी जानकारियां इसमें भरनी है। तो आज हम उसी को बारी बारी से लेंगे। तो ये जो है इसमें 11 भाग होंगे जो इसका, सबसे पहले अगर आपको ये मिल गया है तो आप सबसे पहले अपना देख लें कि आपका स्कूल का नाम लिखा होगा, फिर किसने जारी किया है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन लिखा होगा, उसके बाद आपका न्याय पंचायत या संकुल संसाधन केंद्र का नाम लिखा होगा, और उसके बाद आपका ब्लॉक का नाम लिखा होगा। ये लिखने के बाद आपको ये 11 बिंदु दिखाई पड़ रहे होंगे जो कि यहाँ से भाग हैं। जो पहला भाग है स्कूल का विवरण यानी स्थान संरचना प्रबंधन एवं अनुदेशन का माध्यम, ये सबसे बड़ा है जिसमें 8 पेज हैं। और हाँ, इसमें आपको बता दूं अगर मिल गया तो पेज 1 से लेकर 26 तक कंटिन्यू लगे हैं, तो जो भी मिले तो आप देख लीजिएगा 1 से 26 तक, यानी पहला पेज 1 है और लास्ट पेज 26वां है और सब पर चीज़ें लिखी गई हैं। तो पहले में आपका स्कूल का विवरण आएगा जैसा कि भाग 1 है। भाग 2 में भौतिक सुविधाएँ एवं उपकरण है। तीसरे भाग में आपका शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ का विवरण रहेगा। चौथे भाग में नए दाखिले जो नामांकन होगा उनकी बात करी जाएगी। और जो भाग 5 है, ये देख रहे होंगे आप, भाग 5 में हम लोग बात करेंगे बच्चों को प्रदान किए गए प्रोत्साहन सुविधाएं जो भी निःशुल्क बढ़ती हैं उनका सारे चीज़ें। और जो भाग 6 है वो वार्षिक परीक्षा और परिणाम से बात करेंगे, क्योंकि इस बार कोरोना के कारण हालांकि परीक्षाएं नहीं हो पाई तो उसका क्या होगा आप को आगे बात करेंगे। फिर है आय और व्यय का विवरण भाग 8 में करेंगे, और भाग 10 में PGI एवं अन्य संकेतक क्या क्या हैं उनके बारे में, और भाग 12 में स्कूल की सुरक्षा यानी स्कूल की सेफ्टी क्या है उसके लिए पर हम बात करेंगे। तो आप अगर यूडाइस आपका ये प्लस मिल गया है 2020-21 का, तो आप खोल के अपने सामने रख सकते हैं और इस पर हम बिंदुवार चर्चा करेंगे। चलिए अब हम आपको अगले पेज पर ले चलते हैं। जो अगला पेज हमारा है वो देखिए, हालांकि मेरे स्कूल का है लेकिन आप यहाँ से जो आपका स्कूल होगा, और हाँ ज़्यादातर स्कूल प्राइमरी स्कूल है, अगर जूनियर है आपका तो जूनियर के लिए आप भर सकते हैं, अगर आपका उससे ऊपर का है जो माध्यमिक है तो आप उसके लिए भी यहाँ से भर सकते हैं। लगभग सभी के फॉर्मेट एक जैसे ही हैं, लेकिन ये केवल प्राइमरी के लिए। तो मैं बता दूँ तो सबसे ऊपर जब आप लेंगे तो आपको यहाँ पर ये यूडैस कोड स्कूल का हर पेज पर आपको लिखा मिलेगा और शैक्षिक वर्ष जरूर मिलेगा। तो सबसे पहले स्कूल का विवरण स्थान, तो हम भाग 1 की बात करेंगे। भाग 1 में सबसे पहला है आपका यूडैस कोड। अगर आपका यूडैस कोड नहीं है, इशू नहीं है तो आपको, या उसमें नहीं छपा है तो आपको यहाँ पे भर देना है। भौतिक संरचना की बात हम करते हैं तो यहाँ पर स्थिति उसकी भरनी है। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जिनमें अभी तक ये भरा नहीं गया, तो आप एक ऐप डाउनलोड करके और अपने स्कूल की भौगोलिक स्थिति देख लें, और जो भी उसमें आए तो आपको अक्षांश और देशांतर लिख देने हैं, जो कि ये सबसे पहला काम है, यहाँ से आपको कर देना है। उसके बाद है 1.1 स्कूल का नाम बड़े अक्षर में, हाँ जो भी भरें वो अंग्रेजी के बड़े अक्षर में भरें और काले पेन से भरें, ये चीज़ आपको याद रखना है। 1.2 में स्कूल का स्थान, ये लिखना है ग्रामीण है या शहरी है, तो बताया गया है अगर ग्रामीण है तो आप 1 लिखें, शहरी है तो आप 2 लिखें, जिसमें आता है तो आप लिख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है 1.3 यानी गांव का नाम, तो गांव का नाम आप लिख देंगे। फिर समूह केंद्र का नाम CRC जिसको हम लोग बोलते हैं, तो CRC आपकी क्या लगती है वो आप 1.4 में भर देंगे। 1.5 में जिस गांव का आपका स्कूल है तो वहाँ का जो पिन कोड होगा एरिया का वो आप लिख लेंगे। फिर ग्राम पंचायत का नाम, ये केवल ग्रामीण के लिए है क्योंकि ग्रामीण में ही ग्राम पंचायत होगी, शहरी होगा तो वहाँ पर नगर पालिका होगी, तो यहाँ पर स्वाभाविक सी बात है आप 1.6 आपके सामने ये दिख रहा है, तो 1.6 में आप अपने जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती है उसका आप नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगला है सामुदायिक विकास CD ब्लॉक मंडल तालुका का नाम, तो अपना यहाँ पर आप जो नियरेस्ट आपका ब्लॉक है, जिस ब्लॉक में आपका स्कूल स्थित है वो ब्लॉक आप यहाँ पर लिख लेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे 1.8
बरसात का नाम ग्रामीण क्षेत्र मोहल्ला योजनाकृत सदृश इकाई। अगर कोई बसावट जो आपका पर्टिकुलर नाम है, हालांकि गांव में गांव ही रहता है उसका नाम डालना है, और वैसे यहां पर आप बरसात का नाम जो है आप छोड़ सकते हैं, इसको आप खाली भी छोड़ा जा सकता है। 1.9 में शिक्षा ब्लॉक मंडल, तो आपका जो बीआरसी है नियरेस्ट, जिस बीआरसी में आप ब्लॉक स्तर की, उसका आप नाम वहां पे अंकित कर देंगे। फिर 1.10 में विधानसभा क्षेत्र का नाम, जिस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आपका स्कूल आता है उसका आप लिख देंगे। फिर 1.10 ख में संसदीय क्षेत्र का नाम लिखना, यानी वो किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, अगर कालम छूटा है तो वहाँ पर आप इसको भर लेंगे। मतलब यहाँ पर कालम आपको खाली छोड़ने नहीं है, ये आपको याद रखने हैं। अगर आपका कोई कालम छूटा है और अगर उसकी जानकारी आपको है तो आपको कालम बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर हम बात करेंगे आगे 1.11 का, नगर पालिका का नाम। अगर आप नगर पालिका में आपका स्थित है तो आप नगर पालिका का नाम लिखेंगे। फिर है शहर का नाम जो लागू होगा, और अगर नहीं लागू है तो आप किस जिले में आपका स्कूल स्थित है उस जिले का नाम आप 1.12 में लिख देंगे। क्लियर हो रहा होगा। इसके बाद फिर आप अपने स्कूल का पता लिख सकते हैं, जैसे आपका स्कूल का पता, विलेज का नाम लिख दीजिए, पोस्ट लिख दीजिए, जिला लिख दीजिए, और आप इसमें पिन कोड भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें हमारे जो पता छपा हुआ है इसमें आप देख रहे होंगे पिन कोड भी नहीं लिखा है, और इसमें जो है हमारा पोस्ट ऑफिस भी नहीं लिखा है, तो हम इसको जब लिखेंगे तो इसमें ब्लैक पेन से इसके आगे इसको इंगित कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। पता लिखने के बाद आप संपर्क विवरण लिखना, यानी स्कूल का प्रमुख जो वहां के प्रिंसिपल हैं या वहां का जो हेडमास्टर हैं उनके लिए उनका मोबाइल नंबर लिखना है, क्योंकि वहाँ पर कोई आवास नहीं होता तो स्टडी कोड वगैरह, या अपने घर का वो दे सकते हैं, लैंडलाइन है ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं, उसे छोड़ दीजिए, अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर हमारा गलत है इसलिए हम यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इसको सही करके लिख लेंगे। अगला है खा, प्रतिवादी का नाम बड़े समूह में, यानी बड़े अक्षरों में जो इस फॉर्म को फिलअप कर रहा है उसके लिए बात की जा रही। तो हालांकि ज़्यादातर हेडमास्टर ही भरते हैं, अगर हेडमास्टर किसी कारणवश छुट्टी पे हैं और अगर कोई अन्य अध्यापक वहाँ के भर रहे हैं वो अपना नाम लिखेंगे और उसी के नीचे अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे। और अगर आपके स्कूल का कोई ईमेल आईडी बनाए हो, हालांकि बहुत से ऐसे स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल जहां पर अभी तक ये कार्य नहीं किया गया है, यानी स्कूल का अभी तक कोई ईमेल आईडी फिलहाल नहीं है, लोगों ने भी स्कूल की वेबसाइट नहीं बनाई, लेकिन नए नए लोग हैं अपने स्कूल की बनाए हैं, तो आप इन्हें लिख सकते हैं। ऐसा ये नहीं है कि आपको नहीं करना है, ठीक है, अगर आप बनाए हैं तो आप इस चीज़ का जिक्र जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ा यही है आपका पहला वाला पॉइंट। तो अगला आपके पास पेज जो है 3 खुल गया होगा, जिसमें आप सबसे ऊपर जाएंगे। थोड़ा सा मैं पेज बड़ा कर देता हूँ जिससे आप इसको देख सकें बहुत आसानी से। तो देखिए सबसे ऊपर फिर वही शैक्षिक सत्र लिखा है, फिर 1.15 स्कूल की श्रेणी। श्रेणी के लिए नीचे देखिए आपका दिया गया है नंबर 1 लिखना अगर प्राइमरी है, 2 प्राइमरी विद अपर प्राइमरी दोनों कंबाइंड है, प्राइमरी विद अपर प्राइमरी सेकेंडरी। तो जिस स्थिति में आपका स्कूल आता है प्राइमरी है कंपोजिट है तो आप उसका नंबर वहाँ पर लिख देंगे, उसका नाम, मतलब 1 नंबर है तो 1 नंबर प्राइमरी है, 2 तो 2 लिख देंगे, जो भी आपका लागू हो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है 1.16, अगर आपके पास फॉर्म हो तो आप जरूर खोल लीजिएगा। 1.16 स्कूल में सबसे छोटी एवं बड़ी कक्षा, यानी अगर हमारा कक्षा प्राइमरी स्तर है तो सबसे छोटी जो कक्षा होगी वो कक्षा 1 से संचालित हो रही होगी, और सबसे बड़ी जो कक्षा है वो कक्षा 5 से संचालित हो रही होगी। अगर 1 से 8 तक है तो सबसे छोटी 1 लिखेंगे और सबसे बड़ी यहाँ पर आप 8 लिख देंगे, या 1 से 10 तक का है तो आप यहाँ से 1 से 10 तक का जिक्र कर देंगे। फिर उसी में खा, मतलब सबसे छोटी कक्षा सबसे बड़ी, फिर गा लिखा क्या पूर्व प्राथमिक भाग सेक्शन आंगनवाड़ी को छोड़कर स्कूल से संबद्ध है, अगर संबद्ध है तो हाँ, नहीं है तो नो लिख देंगे। फिर है स्कूल का प्रकार, बालक बालिका से शिक्षक, तो जितने भी अपने स्कूल हैं लगभग हमारे जो परिषदीय विद्यालय हैं वो सब को एजुकेशन, यानी तीसरा नंबर आप वहाँ पर लिख देंगे अगर आपने लिखा नहीं है तो। अब हम बात करेंगे यहाँ से 1.8 स्कूल का प्रबंधन। स्कूल का प्रबंधन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, तो जो भी लोकल बॉडीज है गवर्नमेंट एडेड है, तो जैसा है हमारे यहाँ चूँकि गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन यानी शंकर सरकार द्वारा संचालित, तो हम पहला नंबर डाल देंगे। अगर कोई प्राइवेट स्कूल है प्राइमरी स्कूल है तो गवर्नमेंट बॉडी यानी 4 लिख देगा। फिर नीचे उसका सारा विवरण दिया गया है कि आपको किस कैटेगरी में आपका स्कूल आता है उसको यहां से भर देना है। उसके बाद आता है 1.19, ये देखिए यहां से कि इसमें आपको करना है स्कूल में अनुभाग संख्या, यदि एकल हो कोई सेक्शन हो तो आपको लिख देना है कि कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4, कक्षा 5 में अगर आपके ज़्यादा बच्चे होंगे तो कितने सेक्शन वहाँ पर आप चलाते हो, 2 सेक्शन में 3 सेक्शन में, अगर बड़ा स्कूल है बड़े ज़्यादा बच्चे हैं तो आप यहाँ पर इंगित कर देंगे। फिर 1.12 में स्कूल का स्थापना वर्ष जरूर लिख दें कि ये स्कूल किस वर्ष निर्मित हुआ, जिससे आगे वाली आने वाली बहुत सी चीज़ें रहती हैं कि कब
तक इसकी लाइफ है जिसका अंदाजा लगाया जा सके और ऐड वगैरह आप लोगों को मिल सके और नए स्कूल भवनों का निर्माण किया जा सके। फिर आता है प्रश्न संख्या 1.12, केवल सरकारी अनुदान प्राप्त और गैर निजी गैर अनुदान प्राप्त स्कूल के लिए। तो स्कूल को मान्यता मिलने का वर्ष, अगर कोई आपका वैसा स्कूल है जिसको मान्यता कब मिली, तो कैसा स्कूल प्राइमरी को मान्यता कब मिली। फिर है क्या आप CWSN संबंधी एक विशेष स्कूल, मतलब क्या ये जो विशेष बच्चे रहते हैं जिसमें हमारे विकलांग वगैरह आते हैं, काफ़ी प्रकार के विशेष बच्चे, क्या वो हैं। तो चूंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई स्कूल नहीं है तो हम वहाँ पर नो लिख देंगे। फिर 1.24 में क्या यह पाली शिफ्टों में चलता स्कूल है। हमारे यहाँ प्राइमरी ऐसा नहीं है कि हम सुबह शिफ्ट में बुलाएं और शाम को शिफ्ट में भी आए, तो हम नो लिख देंगे अगर जहाँ पर कहीं शिफ्ट वाइज व्यवस्था है वो लिख लेंगे। फिर 1.25, क्या एक आवासीय स्कूल, तो हमारे यहाँ फिलहाल अभी तक कोई आवासीय स्कूल नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पर दो लिख देंगे और जिन स्कूल आवासीय वो अपना आवासीय भर देंगे। और अगर आवासीय स्कूल का कोई प्रकार है तो आश्रम पद्धति है, नॉन आश्रम है, कैसा है उसके बारे में वो लोग यहाँ पर भर लेंगे। क्या बोर्डिंग यानी आवासीय सुविधाएँ हैं, तो अगर जिनके यहाँ हैं वो लोग इनको भरेंगे, अगर नहीं है तो नहीं भरेंगे। अगर ऐसी सुविधा है प्राथमिक में तो कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएं हैं, इनका सारा जिक्र करना रहेगा। फिर हम बात करते हैं 1.26, क्या यह अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा संचालित है। हालांकि यहाँ अपने आप बहुत से कम स्कूल हैं जो अल्पसंख्यक द्वारा संचालित हैं, तो हमारे यहाँ चूँकि नो है प्राइमरी, तो हम नो लिख देंगे। यदि हाँ तो स्कूल प्रबंधन करने वाले अल्पसंख्यक समुदाय का प्रकार, यानी मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए, जैन के लिए, क्रिश्चियन के लिए, पारसी के लिए, जो हो उसका नंबर हम लोग लिख देंगे। फिर 1.27 ये देखिए लिखा हुआ है, इसमें बताया जा रहा है क्या अधिकांश बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है। जी हाँ, लगभग सभी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर मातृभाषा का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पर हम 1 लिख देंगे। फिर आपके पास 1.28 नीचे देखिए आ गया, उसमें आ गया स्कूल में पढ़ाने का माध्यम क्या है। तो माध्यम के लिए आप ये देख लीजिए किस किस माध्यम में आपके यहाँ स्कूलों में पढ़ाई होती है। तो इसको जब अगला पेज आप खोलेंगे, तो अगले पेज जब मैं खोलूँगा तो उसमें बताया गया है कि अगर आप हिंदी माध्यम है तो 4 लिखेंगे, संस्कृत माध्यम है तो 14 लिखेंगे, उर्दू माध्यम है तो 18 लिखेंगे और इंग्लिश माध्यम है तो 19 लिखेंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो आप यहाँ पर 19 भर लेंगे और हम लोग चूँकि हिंदी मीडियम का है तो हम लोग यहाँ पर हिंदी मीडियम भर लेंगे। चलिए मैं इसका अगला पेज बढ़ाता हूँ और आपके सामने दिखाता हूँ कि अगले पेज में क्या है। अब हमारे सामने देखिए अगला पेज खुल के आ चुका है और अगले पेज जैसा कि मैं बात कर रहा था कि किस माध्यम से दिया जा रहा, तो यहाँ पर लिखा गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे 1.29 की। तो 1.29 आपके सामने दिख रहा होगा, 1.29 की विषय के रूप में पढ़ाई गई 3 भाषाओं को नीचे इंगित करता है। भाषा 1 हिंदी, भाषा 2 में इंग्लिश, भाषा 3 में उर्दू या संस्कृत। मेरे यहाँ देखिए उर्दू लिख गया जबकि मेरे यहाँ संस्कृत भाषा है, तो हम इसको अब सही कर लेंगे और यहाँ पर अपना जो है ब्लैक पेन से इसको काट देंगे और इसके आगे हम संस्कृत यानी 14 नंबर इंगित कर देंगे। अब बात करेंगे नीचे 1.34। अब आप सोच रहे हैं कि 1.29 बाद 1.34 कैसे आ गया। ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो स्कूल लागू है, जैसे वो हमारा प्राइमरी है तो हमारे प्राइमरी जो स्तर की सूचनाएं वो ही सारी सूचनाएं इसमें आएंगी। जो अपर प्राइमरी की है, जो माध्यमिक हैं, उनके जो अगला जो लागू हुआ रहा होगा वो माध्यमिक का रहा होगा, इसलिए यहाँ पर कटिंग हो जाती है। इसलिए आपको कोई यहाँ पर कोई आपका जो है कटअप नहीं है, ये पूरा आपका पेपर मिला हुआ है। अब बात करता हूँ 1.34 की, उसी के जस्ट नीचे देखिए 1.34 है, नज़दीकी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की दूरी किलोमीटर में आपको लिखना है। जैसे प्राथमिक स्कूल, तो आपका प्राथमिक स्कूल चूँकि आप जहाँ हैं गांव में ही है तो आप गांव 0 किलोमीटर हो गया। उच्च प्राथमिक विद्यालय आपके विद्यालय में, अगर उच्च प्राथमिक विद्यालय गांव में नहीं है, कितनी दूरी पर है, तो आप उसको किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर यानी 0.5 किलोमीटर। माध्यमिक स्कूल कितनी दूरी पर है और उच्च माध्यमिक यानी जूनियर या आप हाई स्कूल इंटर कॉलेज कितनी दूरी पर है अपने स्कूल से, अंदाजे से किलोमीटर में लिख सकते हैं। और ये याद रखना है कि आप उसको एरियल डिस्टेंस न लिखें, सिर्फ वही दूरी लिखें जहाँ से आना जाना सुगम हो और व्यक्ति आ जा सकते हो, ऐसा बताया गया है। अब हम बात करेंगे 1.35 की, क्या स्कूल तक सभी मौसम में पहुंचने के लिए सड़क है। अगर आपके यहाँ पक्की सड़क है तो आप हाँ लिख दीजिए, वरना आप 2 लिख दीजिए। फिर है प्रश्न संख्या 1.36, केवल सरकारी और सरकारी अनुदान प्राप्त, यानी जो सरकारी स्कूल हैं हम लोग तो भरेंगे ही जो प्राइमरी के, और जिन्हें एड मिलता है, पैसा मिलता है, गवर्नमेंट देती है भवन, भले ही वो किसी मैनेजमेंट के उसमें है, तो क्या आंगनवाड़ी स्कूल परिसर के अंदर है। अक्सर बहुत से स्कूलों में अंदर है, तो हाँ लिख देंगे, नहीं है तो आप 2 लिख देंगे। आंगनवाड़ी का कोड क्या है, वो कोड आप पूछ करके लिखना होगा, चूँकि हमारे में नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ है, फिर भी यहाँ छूटा हुआ है। क्यों छूटा हुआ है, पिछली बार मैंने लिख के दिया था लेकिन नहीं है, तो आप अपने यहाँ का भर करके यहाँ पे आंगनवाड़ी का आपको दे देना रहेगा। चलिए थोड़ा सा और मैं आगे बढ़ता हूँ।
फिर बात करेंगे आंगनवाड़ी केंद्र के कुल कितने बच्चे हैं, बालक और बालिकाएं हैं, तो आप यहाँ पर लिख देंगे। क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बाल शिक्षा में प्रशिक्षित है, तो ये चीज़ आपको पहले पूछना पड़ेगा कि क्या आप जो है जो आगे आंगनवाड़ी हैं क्या वो मतलब प्रशिक्षित हैं या नहीं है। तो ये 1.37 की बात की जा रही थी, तो 1.37 में हम पूछ करके भर लेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे दिया है शिक्षण दिवसों की संख्या। तो इस बार तो शिक्षण दिवस चूँकि बहुत कम ही दिन, केवल जूनियर जो है आपके पहले खुल गए थे और प्राइमरी तो केवल मार्च में ही खुले हैं, तो इसलिए जो भी 10-12-15 दिन खुले हैं वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है प्राथमिक विद्यालय कि बच्चों के लिए औसत स्कूल समय प्रति दिन आपको लिखना है, कितने घंटे बच्चों को बुलाया जाता है, 6 घंटे 5 घंटे जितना रहा वो आप लिख लेंगे। फिर 1.39 अध्यापकों के लिए औसत कार्य समय प्रतिदिन, मतलब कितने घंटे प्रतिदिन उनके पढ़ाने की व्यवस्था है, 5 घंटे 4 मिनट 40 मिनट या 6 घंटे 30 मिनट प्राथमिक में। तो क्या रसोई CCE स्कूल लागू किया है, यस आर नो, तो प्राइमरी में नहीं है तो नहीं आप लिख देंगे, यदि उपरोक्त में से कोई हो तो आप लिख देंगे। फिर है क्या छात्रों का संचय यानी कम्युनिटी रिकॉर्ड रखा जा रहा है, हाँ या नहीं, यानी छात्रों का अब जो उनकी संख्या है उनको आप कालमवाइज लिख रखे यानी वो सब यहाँ पे भर देना है। क्या छात्रों के संचयी रिकॉर्ड को उनके माता पिता के साथ साझा किया जा रहा है, यानी जो भी हम बनाते हैं रिकॉर्ड्स जो उनको बच्चा कैसा, तो उसके उनके माता पिता को ये चीज़ क्या की जा रही है, जब हालांकि जब मीटिंग होती तो ये सब करना जरूरी रहता है, तो उसको आप हाँ दिखा सकते हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 1 पॉइंट, नीचे आ जाएंगे यहाँ पे 1.14 से 1.2 तक केवल प्राइवेट और गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों के लिए, तो ये हमारे यहाँ चूँकि लागू नहीं, तो ये जो प्राइवेट स्कूल हैं वो लोग अपना यहाँ से भर लेंगे। और इसके लिए 1 पॉइंट अगला अगर हम पेज खोलेंगे तो जैसा कि RTA एक्ट लागू है कि जितने भी हमारे स्कूल हैं जो सरकारी स्कूल नहीं हैं लेकिन प्राइवेट हैं, उन्हें 25% बच्चों को, गरीब बच्चों को पढ़ाना है, तो उनके लिए कि इस साल उन्होंने क्या किया, कितने बालक हैं, कितनी बालिकाएँ हैं, कितने कक्षा 1 में, कितने कक्षा 2 में, कितने कक्षा 3 में। अगर आपके एरिया में कुछ ऐसे विद्यालय हैं प्राइमरी के अगल बगल 1-2 किलोमीटर में जो बच्चे उन स्कूलों में पढ़ाना चाह रहे थे, तो उनका अगर विवरण आपके पास है तो आप इसको जरूर उपलब्ध कराइएगा और भर दीजिएगा। अगला है 1.2 खा, स्कूल में नामांकन आर्थिक रूप से पिछड़े EWS विद्यार्थियों की संख्या क्या है, जिन्हें रियायती दरों पर भवन उपकरण इत्यादि, उनका विवरण। हालांकि ये उनके लिए है जो गैर सरकारी स्कूल हैं, वो लोग अपना इसका एक डाटा देते हैं कि भाई हमारे यहाँ इतने बच्चे गरीब हैं, इनको हमने ये चीज़ें उपलब्ध कराई, उनके लिए यहाँ पे भरना है। अब बात हम करेंगे, फिर आ जाइए थोड़ा सा नीचे, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, प्रश्न संख्या 1.43 से 1.51 तक केवल सरकारी और यानी जो सरकारी स्कूल है, जैसे हमारे आपके स्कूल हैं प्राइमरी स्कूल हैं और जो सहायता प्राप्त हैं उनके लिए बात की जा रही है। क्या कोई स्कूल से बाहर वाले बच्चे आउट ऑफ स्कूल में नामांकित हैं, अगर हैं तो आप हाँ लिखेंगे, और विशेष प्रशिक्षण ले रहे हैं तो आप लिखेंगे, तो चूंकि हालांकि ऐसा कहीं नहीं है तो आप नो लिख देंगे। यदि हाँ, तो अगर कोई विशेष प्रशिक्षण ले रहे तो उसका सारा ब्यौरा आपको देना है कि वर्तमान वर्ष में विशेष प्रशिक्षण हेतु नामांकित बालक कितने हैं, बालिका कितनी है, गत वर्ष उसके पहले कितने लड़के और लड़कियां थीं, गत शैक्षिक वर्ष में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों की बालक और बालिकाओं की संख्या कितनी थी। चूंकि हमारे ऐसा नहीं है तो हम इनको यहाँ पर खाली जगह छोड़ देते हैं। फिर बात आती है विशेष प्रशिक्षण कौन चलाता है, स्कूल अध्यापक विशेष रूप से कार्यरत शिक्षक या दोनों चलाते हैं या ये NGO की तरफ से चलाया जा रहा है, इसका सारा कुछ विवरण देना रहेगा। अब हम धीरे धीरे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद विशेष प्रशिक्षण कहाँ दिया जा रहा है इसका सारा विवरण, अगर है तो विशेष प्रशिक्षण आप कहाँ उनको दे रहे हैं, स्कूल में दे रहे हैं तो या फिर गैर आवासीय है, एक या दोनों है। फिर है 1.44 वर्तमान वर्ष में उपचारी शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग ले रहे छात्रों की, अगर कोई रिमीडियल क्लास आप लगा रहे हैं विशेष रूप से उनको अगर प्रशिक्षित किए हैं तो उनका यहाँ पर बच्चों की संख्या आपको देना है, वर्ष में उपचारित विद्यार्थियों की संख्या। फिर लिखा है शैक्षिक सत्र कब शुरू होता है, जैसा कि सभी को मालूम है अपने यहाँ अप्रैल से शुरू होता है, जैसे पिछली बार 4 अप्रैल को खुला था तो यहाँ पर 4 अप्रैल लिख दिया गया है, और अब की बार कब शुरू हुआ 1 अप्रैल से, तो 1 अप्रैल आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। क्या वर्तमान शैक्षिक सत्र में पाठ्य पुस्तक का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, चूँकि हालांकि अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं, यदि हाँ तो वर्तमान सत्र में कब प्राप्त हुई, अगर प्राप्त हुई तो किस डेट को प्राप्त हुई लिख देना, चूंकि अभी नहीं प्राप्त हुई तो आप यहाँ पर नो लिख करके भी काम चला सकते हैं, या फिर थोड़ा सा वेट करें, जब भरें, जब मिलेंगे तब आपको भरना है। अगला 1.47 है, क्या स्कूल को गत शैक्षिक वर्ष में एडिट अनुपूरक सामग्री ग्रेडेड
सप्लीमेंट्री मटेरियल्स प्राप्त हुआ है? अगर है तो आप हाँ लिखेंगे, वरना नो लिख देंगे। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक, शिक्षण, प्रशिक्षण सामग्री, टीएलएम तथा खेल सामग्री वर्तमान सत्र में उपलब्धता कैसी है? क्या निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का पूरा सेट प्राप्त हुआ है, मिला है? हाँ, एक लिखना है। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए टीएलएम उपलब्ध है? अगर कक्षा 1 से 8 तक का है, क्या आपके पास टीएलएम है, तो आप हाँ लिखेंगे, वरना आप यहाँ नो लिख देंगे। क्या प्रत्येक ग्रेड के लिए खेल सामग्री उपलब्ध है, स्पोर्ट्स उपकरण उपलब्ध हैं? अगर हैं तो हाँ, वरना आप यहाँ से ना लिख देंगे। अब हम बढ़ते हैं, अगले पेज पर लेके चल रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हैं और देखिए नीचे आते हैं तो हमारा एक अगला जो पेज है वो पेज नंबर 6 आपका खुल के आपके सामने आ गया है। चलिए 6 की बात कर लेता हूँ। पहला ही सबसे बड़ा है, फिर आ गया आपका 1.49, गैर शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल में दौरे, कि आपके स्कूल में कितने जो है कितने लोग आपके यहाँ आए, चाहे वो लिखा हुआ गत शैक्षिक वर्ष के दौरान स्कूल में दोनों का विवरण आप जो आपके यहाँ बीओ सर हैं उनका या अन्य कोई डाइट मेंटर्स वगैरह उनकी दे सकते हैं। आप अपने एआरपी का दे सकते हैं, एसआरजी का दे सकते हैं, संकुल शिक्षक हालांकि नहीं कर सकता, तो उनके ब्यौरे आपको यहाँ पर देना नहीं है। तो शैक्षिक निरीक्षणों की संख्या कितनी, आपके यहाँ निरीक्षण हुए उसका भी आप ब्यौरा यहाँ पर दे सकते हैं। फिर अगला है सीआरसी समन्वयक द्वारा दौरों की संख्या, अब हालांकि संकुल नोडल हैं तो वो उन्होंने कितने आपके स्कूल का दौरा किया उसकी भी आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। फिर अलग अलग को देना भी है, देखिए फिर लिखा है जिला स्तर अधिकारी बीआरसी बीओ के दौरों की संख्या लिख देना है, जिला राज्य स्तर से अगर कोई आया है उसका लिख देना है, क्या स्कूल प्रबंधन समिति एसएमसी का गठन कर लिया गया सबके यहाँ है, तो आप हाँ यहाँ पे भर देंगे। फिर आपको लिखना है इसके बाद 1.50 स्कूल प्रबंधन यानी एसएमसी का पूरा ब्यौरा आपको यहाँ पर दे देना। अगर आपने एसएमसी गठन किया तो गठन करने के बाद इनमें जो सदस्य हैं एसएमसी, फिर क नंबर में एसएमसी के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, उसमें पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, तो पुरुष और महिला बराबर रखने हैं, तो आप चाहे 8 पुरुष कर लें या 7 महिलाएं कर लें, जैसा आपको सही लगे, जो हिसाब ने बनाया हो। माता पिता अभिभावकों की संख्या कितने पुरुष कितने महिला हैं, फिर उपरोक्त की संख्या में से निम्न भरना, एससी उसमें कितने हैं, एसटी कितने हैं, ईएसडब्ल्यू कितने हैं, अल्पसंख्यक, देखिए हमारे में हालांकि यहाँ पर छूटा हुआ है, हमें ये भर के देना है। हालांकि हमारे यहाँ मतलब एससी और आपका ईएसडब्ल्यू और अल्पसंख्यक माइनॉरिटी भी हैं, लेकिन हमारा यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, पिछली बार छूट गया है, तो हमको यहाँ पर भर देना है। और कहा भी गया है जब आप एसएमसी की नियुक्ति करते हैं तो उसमें बताया भी जाता है कि उसमें अगर कोई एससी कैंडिडेट हैं तो आपको जरूर करना है, एसटी है जरूर करना है, ईएसडब्ल्यू का कोई हो तो करना है, माइनॉरिटी के बच्चे पढ़ते हैं उनको भी आपको करना है। फिर स्थानीय प्राधिकरण स्थानीय सहकारी निकाय में कितने लोग हैं, पुरुष कितने हैं, महिला कितनी है, मतलब आपके स्टाफ नर्स हैं कि नहीं है, आपके यहाँ एक ये क्या बोलते हैं एक प्रतिनिधि लिखना है गांव का, या जो अगर आप नगर पालिका में तो उसके प्रतिनिधि एक जरूरी होना है। उसके अलावा आपका उस गांव का जो है आपका क्या बोलते हैं मतलब पंचायत से एक व्यक्ति होना चाहिए, तो सेक्रेटरी वगैरह कोई हो तो उनकी सदस्य संख्या यहाँ पे लिख देना है। अब आपके बात करेंगे शिक्षकों की संख्या, उसमें शिक्षक कितने लोग, हालांकि शिक्षक में एक ही रहता है जो सचिव होता है, प्रधानाचार्य उसको बनाया जाता है। अगले बात करेंगे सदस्यों के संख्या जिनको प्रशिक्षण दिया गया है, तो प्रशिक्षण जिनको जिनको दिया जाता है उनकी संख्या यहाँ पर लिख दी जाती है, हालांकि दी गई थी यहाँ पर नहीं लिखा है। गत वर्ष के दौरान एसएमसी का आयोजन बैठकों की संख्या कितनी, की 10 की 11 की 12 की, कभी कभी महीने में 2 या 3 करनी रहती है जब ड्रेस वगैरह बैठती है, इसलिए संख्या आप देख लीजिए 10 से ऊपर होनी चाहिए, वो आपको लिख लेनी है। अगला है क्या एसएमसी ने स्कूल विकास योजना तैयार कर ली है, ऐसा होता ही नहीं कि विकास योजना तैयार न हो, तो आपको यही लिखना है क्या एसएमसी के लिए अलग बैंक खाता बिल्कुल होगा, तो आपको जरूर लिखना है कि हाँ अलग खाता उसका है। एसएमसी बिना खाते के आप बच्चों को बहुत सी चीज़ें संचालित नहीं कर सकते, जो पैसा आता है उसी के थ्रू आता है, यदि आता है तो उसमें पूरा बैंक का विवरण ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपका एसएमसी खाता किस बैंक में है, उसका शाखा क्या है, उसका नंबर क्या है, और खाता धारक का नाम एसएमसी चूंकि हो जाएगा और आईएफएससी कोड आप वहाँ पे लिख देंगे। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, अभी खत्म हुआ है, जिसका नाम था स्कूल का विवरण, स्थान, संरचना, प्रबंधन एवं अनुदेशन। चलिए अब बात करेंगे दूसरा जो पार्ट हमारा है, बहुत ही छोटा पार्ट है, ये है भौतिक सुविधाओं एवं उपकरण, यानी दूसरा भाग की शुरुआत करेंगे। तो दो में पहला है 2.1, आप यहाँ से देख लें, इसमें पूछा जा रहा है स्कूल भवन की स्थिति, यानी प्राइवेट में है तो 1 लिखेंगे और अगर गवर्नमेंट है तो आप 3 लिखेंगे, या फिर जो भी नो बिल्डिंग है तो आप यहाँ पे 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको अपनी भवन की स्थिति लिख देना है, फिर स्कूल के भवन का प्रकार, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अगले आप आएंगे शैक्षिक वर्ष 2020-21, फिर आप ऊपर देख लेंगे और उसी के आगे हम भरना शुरू करते हैं। तो देखिए कुल भवन ब्लॉक संख्या में से भिन्न की संख्या लिखें कि स्कूल का भवन कैसा है, पक्का है, कच्चा है, आंशिक रूप से, तो इसको आप भर लेंगे। फिर है चहर दीवारी का प्रकार, यानी यहाँ पर 2.1.1
1.1 यानी चार दीवारी पोर्च है कि नहीं है, कैसा है, बाउंडेड है या नहीं, आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर है 2.14 का स्कूल में उपलब्ध पठन कक्षाओं के क्लासरूम कैसे, उनका आप बात करेंगे, लेकिन पूर्व पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक के लिए है, तो जैसा है आप यहाँ पे लिख लेंगे। ये स्थिति आपको स्कूल की पता होगी कैसी है, तभी आप लिख पाएंगे पक्का है कच्चा है। तो ये नीचे तक आप चले आएंगे, इसको पढ़ते रहेंगे, जो कुल मिला के आपको जो बहुत ढंग से जो आपको स्कूल के बारे में मालूम है वो सारी सुविधाएँ भर देंगे। तो 2.15 से फिर हम बात करेंगे कि आपको करना क्या है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ये 2.15 क्या स्कूली सुविधाओं को पढ़ने के लिए बढ़ाने के लिए भूमि है, हाँ या ना, अगर बड़ी है तो आप लिख देंगे हाँ। क्या प्रधान अध्यापक प्रधानाचार्य के लिए अलग कक्ष उपलब्ध है, हाँ या ना, आप लिख देंगे अगर है तो यस वरना नो। क्या स्कूल में शौचालय हैं, हाँ या ना, आप लिख देंगे। फिर शौचालयों का विवरण जो हम लोग 14 बिंदु देते थे, सारी जानकारी आपको आगे है कि मतलब CWSN, हालांकि बहुत जगह अभी तक इनकी व्यवस्था नहीं है तो आप इनको नो नो करके छोड़ देंगे। हमारे यहाँ जबकि ऐसी सुविधा नहीं है, फिर भी यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि है, तो उसको हमें अब सही करके देना है। तो आप एक है नहीं है, बालक के लिए बालिका के लिए आप अपना कर लीजिएगा। तो पेज नंबर हम बढ़ते हैं 8 पे। तो पेज नंबर जो 8 है हमारा, ये देखिए पेज 8 खुल चुके हैं अब हम। तो पेज 8 आप खोलिएगा और अपने में थोड़ा सा यहाँ से देखिएगा। तो फिर पूछ रहा है शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए, फिर आपको भरना वही कि जो शौचालय हैं बालक के कितने हैं, बालिका के कितने हैं, यूरिनल कितने यानी मूत्रालय बालकों के कितने, हालांकि सबके यहाँ 2-2 बने हैं और लैट्रिन जो है सबके यहाँ 1-1 है, तो आप शौचालय 1-1 लिख देंगे। उसके बाद क्रियाशीलता कैसी है वो आप यहाँ से देख करके भर देंगे। फिर है कि गा नंबर अगर आप देखें, ये ज़रूरी है, हालांकि आप पहले भर चुके हैं, इनको भरने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भरा होगा। अगर नहीं भरें तो आप अब यहाँ से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एक चीज़ें हम आपको बताए देने, पढ़ करके आप भरते रहिएगा कि क्या निकटतम शौचालय मूत्रालयों में साबुन के साथ हाथ धोने की सुविधा है, तो आप यस लिख देंगे। क्या परिसर में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है, यस लिख देंगे। यदि पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है, मतलब हैंडपंप आपके यहाँ कितने हैं, सुरक्षित कुएँ कितने हैं, संरक्षित कुएँ कितने हैं, तो जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे, क्रियाशील और अक्रियाशील, ठीक है। अब हम नीचे आते हैं ख नंबर पर। ख नंबर देखिएगा, ये वाला है ख। अब मैं इसको थोड़ा स्क्रोल करके आगे बढ़ा लेता हूँ और ख वाली चीज़ें जो ख के नीचे से भरनी है उनकी हम बात कर लेते हैं। क्या स्कूल में जल शोधक आर ओ है, हालांकि कहीं नहीं है तो आप नो लिख दीजिएगा। क्या जल की गुणवत्ता जांच परीक्षण प्रयोगशाला में कराई गई है, यस आर नो, तो नो है तो आप नो लिख दीजिएगा। क्या स्कूल में वर्षा संरक्षण यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा, हालांकि कहीं कहीं बनाई जाने लगी है, 2.19 में आप देख करके कर सकते हैं, तो अगर है आपके यहाँ तो अभी आप लिखिएगा, वरना आप इसे नो कर दीजिएगा। इसको जो हमारी ग्राम पंचायतें हैं वो इसको कराने जा रही हैं। फिर है 2.120 में क्या भोजन से पहले और बाद में हाथ से, बिल्कुल है, सब जगह है लगभग, यदि हाँ तो हाथ धोने के स्थानों की संख्या कहाँ पर बच्चे हाथ धुलते हैं। क्या स्कूल में बिजली का कनेक्शन है, लगभग हर जगह, जहाँ नहीं है वो नो लिख देंगे वरना हाँ लिख देंगे। क्या स्कूल में सोलर पैनल है, बहुत जगह नहीं है तो आप नहीं लिखेंगे, जहाँ है वहाँ आप हाँ लिख देंगे। हालांकि जहाँ पर कई SCL संगठनों ने या कोई गैर NGO कार्य कर रहे हैं वहाँ पर सुविधाएं हैं सोलर पैनल की, वैसे बहुत कम ही जगह ऐसा आपको देखने को मिलेगा। फिर आइए 1.12 नीचे थोड़ा सा देख रहे होंगे, तो हम इसकी बात करने जा रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, तो इसमें आता है कि क्या पुस्तकालय पढ़ने के स्थान की सुविधा है, तो पुस्तकालय उपलब्ध है तो हाँ, पुस्तकों की संख्या कितनी है वो लिख देंगे। बुक पुस्तक कितनी है, पढ़ने का स्थान रीडिंग कॉर्नर आपने बना रखा है जैसे बहुत लोगों ने बनाया है, तो वहाँ पर लिख देंगे कि हमने बनाया है। फिर है का ख ग, नीचे देखिए का और खा। क्या स्कूल में पूर्णकालिक पुस्तकालय अध्यक्ष है, अपने प्राइमरी में होता नहीं तो आप नो लिख देंगे। क्या स्कूल में समाचार पत्रिका की व्यवस्था है, अपने नहीं आता तो आप नो लिख दीजिएगा। फिर है क्या खेलने के मैदान उपलब्ध है, तो आप अगर बड़ा है तो आप यस लिखिएगा वरना आप नो लिख दीजिएगा। यदि नहीं तो क्या स्कूल के आसपास मैदान जो है व्यवस्था कर रखी है, अगर कर रखी है तो यस, अगर नहीं है तो नो। और सबसे लास्ट में पॉइंट आता है क्या गत शैक्षिक वर्ष में विद्यार्थियों की चिकित्सा जांच की गई, अगर आपके यहाँ से कोई जांच करने के लिए आया हो तो आप यस लिख देंगे वरना यहाँ से भी इसको नो करके भेज देंगे। अब हम बात करेंगे पेज नंबर 9 की।
जो कि आपको भरना है, और काफ़ी कुछ चीज़ें इसमें आपको भरनी पड़ेंगी। तो यहाँ से देखिए आप गा नंबर उसी के आगे, गत शैक्षिक वर्ष में स्कूल में की गई चिकित्सा जांचों की संख्या, कितनी बार जांच हुई उसकी यहाँ पर विवरण दे देने हैं। अगर कोई आता है, हालांकि आते हैं जांच करने, तो आप लिख दीजिएगा। क्या डीवार्मिंग गोलियां, क्या बच्चों को जो कीड़े मारने वाली जो खुराकें हैं वो दो खुराकें हैं सबको दी गई कि नहीं दी गई, उसका ब्यौरा यहाँ पर भर देना है। क्या WCD के निर्देश के अनुसार बच्चों का आयरन गोलियां जो दी जाती थी हमारे यहाँ 8वें दिन फोलिक एसिड की गोलियां, क्या वो दी गई कि नहीं दी गई? दी गई तो आप उनको यस लिख देंगे। फिर है 2.1.15, क्या स्कूल भवन के बाहर निकलने के लिए दिव्यांग छात्रों के लिए रैंप? ये बहुत क्वेश्चन हर बार आता है, बहुत कम ही स्कूलों में या बहुत रेयर केसों में ऐसे बने हुए हैं, लेकिन अगर बने हैं तो आप वहाँ यस लिखेंगे, वरना आप नो लिख देंगे। यदि हाँ तो क्या रैंप के लिए हैंड रेल उपलब्ध, क्या रेलिंग टाइप का बना दिया गया है या नहीं, उसके लिए SR नो लिख देना है। स्कूल में विशेष शिक्षक कोई ऐसा है तो हाँ, वरना नहीं लिख देंगे। क्या स्कूल में किचन गार्डन जो गवर्नमेंट ने बनवाया था वो है या नहीं है? है तो यस, वरना ना लिख देंगे। क्या स्कूल में अपशिष्ट एंड वेस्ट रखने के लिए जो कूड़ादान है तो है कि नहीं है, तो आपको लिखना है प्रत्येक कक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पर फिर आ गया कि शौचालय हाँ या ना, रसोई है कि नहीं है। फिर आता है विद्यार्थियों की कक्षा जिनके लिए फर्नीचर उपलब्ध है, तो फर्नीचर हालांकि प्राइमरी में भी बहुत कम ही उपलब्ध है, जहाँ जहाँ आपके NGO वगैरह हैं उन्होंने अगर दिया है तो है, वरना बहुत कम ही स्कूलों में पहले से खरीदा हुआ हो सकता है। अब बात करते हैं भौतिक सुविधाओं, यानी अब हमारे पास भौतिक सुविधाओं की बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, उसी में अभी दूसरा भाग ही चल रहा है, बस ये दूसरा का लास्ट भाग आपके पास सामने लिखा हुआ है कि क्या स्कूल में निम्नलिखित उपकरण मौजूद हैं? अगर हैं तो आप हाँ लिखना है। ऑडियो विजुअल जन संबोधन प्रणाली है, यानी ऑडियो विजुअल आपके पास कोई अगर रखे हैं तो आप यहाँ पर यस लिख देंगे, वरना नहीं लिख देंगे। बायोमेट्रिक उपकरण है कि नहीं है, हालांकि अभी कहीं नहीं है, तो आप यहाँ ना लिख देंगे। और तीसरा है कंप्यूटर एवं डिजिटल उपकरण। मैं आपको बता दूँ, अगर आप प्राइमरी से बिलोंग करते हैं तो ये वाला कॉलम आपके यहाँ लैपटॉप, देखिए यहाँ से ढेर सारी चीज़ें आपको ये नज़र आ जाएंगी। तो मैं आपको बता दूं इस पर टाइम ना वेस्ट करते हुए, नहीं इंटरनेट है कि नहीं, प्रोजेक्टर है कि नहीं, प्रिंटर है कि नहीं, अगर आपका स्कूल SCL वगैरह ने गोद ले रखा तो ये सारी सुविधाएं होंगी, वरना आप यहाँ से 2 नंबर लिख करके छुटकारा पा सकते हैं अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं, अब हम अगला यानी वही तीसरे भाग में ही फिर पूछ रहा है, बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है अगले पेज पर। ये देखिए यहाँ पर दो चीज़ें पूछी जा रही हैं 2.34 में, क्या पढ़ने के लिए ICT आधारित उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है? अगर होगा तो आप लिखेंगे यस, वरना नो। यदि हाँ तो प्रति सप्ताह कितने घंटे जो है ये कार्य किया जा रहा है आपको लिखना है। अब भाग 3 के अंतर्गत और 2-3 चीज़ें पूछी जाती हैं, वो भी मैं आपको फटाफट बताए दे रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं बढ़ाता हूँ, अब आप देख सकते हैं कि शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ आपको लिखना है, मौजूद शिक्षकों की संख्या, कितने शिक्षक हैं, कितने आपके यहाँ संविदा कर्मचारी, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, उनकी संख्या लिख देना है, और कुल मिला के कितने आपके यहाँ अध्यापक हैं उनका विवरण सबसे नीचे वाले कॉलम में लिख देना है। ये विवरण आपको बहुत आसानी से याद होंगे जिनको आपको भरना है। उसके बाद इन शिक्षकों का सभी का विवरण, जैसा कि आप अगले उस पर देख पा रहे होंगे, ये देखिए, अब मैं इसमें हमें बताना नहीं कुछ है कि आप इसमें देखिए, एक तरफ से अगर आप देखेंगे तो शिक्षकों का आपको विवरण यहाँ से लिख देना है कि भैया क्रमांक 1, 2, 3 ये पड़े हुए हैं, और अगर आपके कोई शिक्षक नया आया है या कोई शिक्षक कहीं ट्रांसफ़र चला गया तो उसका जो चला गया वहाँ से काट देंगे, और अगर कोई ऐड हुआ है तो उसको यहाँ पर आगे अगला जब मैं पन्ना खोलूँगा तो उसमें बड़ा होगा शिक्षक का कोड क्या है, उसका नाम क्या है, उसका लिंग क्या है, जन्मतिथि क्या है, सामाजिक श्रेणी क्या है, ये ढेर सारी चीज़ें हैं। ये आप उस टीचर से ही जाके भरवा लीजिएगा, और ये देखिए आपके पास फॉर्मेट दिया है। अगर कोई आपके पास 2 टीचर बढ़े हैं तो आप 2 भर दीजिएगा, और अगर 2 से अधिक आए हैं तो आप एक नया पेज लगा करके बिल्कुल इसी प्रकार से 6 के आगे 7 लिख देंगे, और उसमें इनका डिटेल जो है बढ़ा देंगे, और आप उनका ब्यौरा यहाँ पर दे देंगे। अब हम बात करेंगे भाग 4। अब अगला है नए दाखिले, नामांकन एवं
पुनरावर्तक यानी रिपीटर्स यानी भाग चार में आपको करना इसमें सिर्फ ये है, पूर्व प्राथमिक भाग में नामांकित, चूँकि अपने पूर्व प्राथमिक चलता नहीं तो LKG और UKG आपको भरना ही नहीं, यानी पहला वाला कालम ही आपको भरना नहीं है। दूसरा कालम बहुत सावधानी पूर्वक भर देना है कि कक्षा एक में 5 साल से कम के कितने बच्चे हैं। 5 साल से कम हम लोग हालांकि नहीं लेते थे, 5 साल के अगर एक दो बच्चे लिए हैं उनका 6 साल और 7 साल से आपको ऊपर के भी बच्चे कक्षा एक में नहीं लेने हैं, तो आप यहाँ पर बालक और बालिकाओं की श्रेणी में कितने बालक कितनी बालिकाएं हैं ये पूरा कक्षा एक के लिए है, इसको आपको भर के दे देना है। और इसके बाद के अगर हम पेज की बात करते हैं तो आप जैसे ही आगे बढ़ोगे तो ये वाला पेज आपके सामने खुल जाएगा। और ये पेज हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपके यहाँ जो भरा जाएगा वो है वर्तमान शैक्षिक सत्र में नामांकित सामाजिक श्रेणी के अनुसार। सामान्य जाति के बच्चे कितने हैं, अनुसूचित जाति के बच्चे कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं और OBC के कक्षा एक कक्षा यहाँ से आप जब करेंगे पूर्व में है ही नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 में किस किस के हैं भर देंगे। और उसके बाद फिर मुस्लिम समुदाय के कितने हैं, ईसाई समुदाय के यानी जो आपके अल्पसंख्यक हैं तो उसमें ऊपर तो आप भरेंगे ही, उसके बाद इनमें से कहीं कहीं मुस्लिम्स होंगे, कहीं कहीं ईसाई होंगे, कहीं सिख होंगे, उनका ब्यौरा बॉयज और गर्ल्स क्लास वाइज आपको दे देना है। फिर है कुल नामांकन के आधार पर BPL, BPL में जो बच्चे BPL कार्ड के धारक हों उनका जो है नाम आप यहाँ पर दे देंगे। बॉयज और गर्ल्स लगभग अपने सभी बच्चे जो है BPL के अंतर्गत आते हैं तो उनके नाम यहाँ पर दे दिए जाते हैं। और घा में अगर कोई ट्रांसजेंडर है तो चाहे लड़का या मतलब ट्रांसजेंडर का कोई जेंडर, चूँकि वो थर्ड कैटेगरी में आता है लेकिन उसको हमें पुरुष की उसमें बच्चे में डाल करके कर देना है, हालांकि बहुत रेयर केस में ही आपको ऐसा मिलेगा। अगला जो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा ध्यान देने योग्य है, इसमें आप देख रहे होंगे जैसा कि ये आपके सामने लिखा होगा कि वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत नामांकित आयु पूर्ण वर्ष में, यानी 4 पॉइंट, ये थोड़ा सा हमारा यहाँ मिट गया है, मिटा नहीं है, मैं अभी एक सेकंड इसको बढ़ा लेता हूँ। ये देखिए कि इसे आपको दिखाना है कि वर्तमान यानी 4.3 में शैक्षिक सत्र में कक्षा में, तो इसमें 5 साल से कम के कक्षा एक में कितने बच्चे हैं, 5 साल के कितने हैं, 6 साल के, 7 साल के, 8 साल के, धीरे धीरे आप इसमें जिस जिस कक्षा का भरना है। और आप देखिए इसमें कालम ब्लैक इसलिए कर रखा है कि भाई 5 साल से कम का बच्चा कक्षा 5 में नहीं हो सकता, इसलिए वो ब्लैक किया गया है। तो आप ये चूँकि जब एडमिशन करते हैं हम लोग तभी देख लेते हैं, तो इसको देख करके बहुत सावधानी पूर्वक इसको भर लेना है। बालक और बालिका कक्षा वाइज किसकी कितनी उम्र है अगर आप निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और अगर आप अंदाजे से ना लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इससे आपकी फिगर सही सही चली जाएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे 4.4 यानी शैक्षिक सत्र में कक्षा अनुसार नामांकन। अगर और भी नामांकन आपके हुए हैं कक्षावार, कभी कभी होता है कक्षा एक में तो होते ही हैं, 2 में भी 3 में भी 4 में भी 5 में भी होते हैं, तो उनका नामांकन आपको इसमें करके दे देना है। या फिर आपका कोई बच्चा ऐसा है जो सारे बच्चों का कक्षा एक में कितने, कक्षा दो में कितने, उसमें नए भी पुराने भी, उनका यहाँ पे ब्यौरा दे देना है। फिर वर्तमान शैक्षिक सत्र में कक्षा के तहत जो रिपीटर्स हैं जो कहीं चले गए पुनः आ गए उनकी श्रेणी सहित यहाँ पर दे देना है। फिर उन्हीं का ब्रेकअप यहाँ पर देना है, वो किस समुदाय से हैं यानी दूसरी ये यहाँ से, तो इसको भी आप बहुत आसानी से भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे पेज संख्या 18 पे जाएंगे, और 18 में हालांकि ये बहुत अपने प्राइमरी के स्तर पे तो लागू नहीं होना चाहिए कि अगर विशेष कोई CWSN वाले बच्चे हैं तो उनके लिए आपके यहाँ क्या क्या उपकरण, किस प्रकार की उनके अंदर सॉरी विकृति है, उसका सारा ब्यौरा आपको देना है। हालांकि ऐसे बच्चे आपके यहाँ बहुत कम होंगे इसलिए आपको शायद इनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेज नंबर अगर हम बात करें 19 की, ये बेहद इम्पॉर्टेंट है और 19 आपको भरना ही पड़ेगा, और बहुत अच्छी चीज़ है भाग 5 में, जो बच्चों के लिए प्रोत्साहन सुविधाएं केवल सरकारी और सहायता प्राप्त को दी जाती हैं, पाठ्य पुस्तकें सामान्य जाति के बच्चों कितना मिला, अनुसूचित जाति को कितना मिला,
एसटी को कितना मिला, ओबीसी को कितना मिला, कुल कितना है, मुस्लिम उसमें कितने हैं और अन्य जो है बालक बालिका, इसका विवरण आपको पूरा यहाँ से लिख देना है। चाहे उनको वर्दी यानी जो निःशुल्क पुस्तकें थी, जो उसकी निःशुल्क यूनिफॉर्म की बात करी जा रही है, परिवहन सुविधा हालांकि अपने नहीं होती वो भी अनुरक्षण, और साइकिल वगैरह अगर किसी बच्चों को मिली है तो उसका ब्यौरा यहाँ पर भर देना है। अगला उसी पॉइंट है 5.3 CWSN यानी विशेष आवश्यकता वाले जो बालक हैं उनको जो सुविधाएं, अगर आपके यहाँ ब्रेल लिप पुस्तकें, ब्रेल किट है या कम दृष्टि किट है, श्रवण मशीनें हैं या जो भी उनको बैसाखियाँ या व्हील चेयर वगैरह दी गई, उसका विवरण आपको देना है। अगर आपके यहाँ स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे हैं और उनको अगर ये सामान दिया गया है इस वर्ष तो उनका यहाँ पर ब्यौरा हमें दे देना है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और अगले पेज पर जो भाग 6 है इसमें आपको अब की बार कुछ नहीं भरना है, क्योंकि इसमें पूछा जा रहा है प्रारंभिक स्तर पर वार्षिक परीक्षाओं के परिणाम, कक्षा 5वीं के लिए गत वर्ष की परीक्षा परिणाम इसमें लिखना है कि परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की बालक और बालिका कितने थे, किस जाति के थे, ये ढेर सारी चीज़ें। चूँकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो इस वाले को कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए, 60% से अधिक कितने बच्चे पाए, सारे बच्चे प्रमोट हुए, इसलिए यहाँ पर इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। भाग चूँकि 7 है नहीं तो अब डायरेक्ट आप भाग 8 पर उसके आगे जब खोलोगे तो आप अगला जो पेज है वो आपको भाग 8 का यहाँ से खुल जाएगा। जो आप भाग 8 देख रहे हैं उसमें फिर आपके यहाँ आया है कि प्राप्ति एवं व्यय, ये आपके यहाँ जो भी 18-19 के अंतर्गत जो भी पैसा आया है, संयुक्त स्कूल अनुदान है, पुस्तकालय अनुदान है, खेल कूद किट है, ये जो भी आपके यहाँ अगर आया है तो आप इसको यहाँ से भर लेंगे। तो भाग 8 में जो भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें आपको NGO के द्वारा या किसी के द्वारा जो भी चीज़ मिली है उसका यहाँ पर भरना है। ये आपके यहाँ जो लागू हो उसको ही आप भरेंगे। फिर भाग हम 10 की बात करेंगे। भाग 10 में PGI के संकेतक और केवल सरकारी स्कूलों के लिए हैं, तो इसमें आप देख लेंगे ना शिक्षकों की संख्या जिनके पास आधार है अथवा उनकी विशिष्ट ID किसी इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस से अधिरोपित है, क्या स्कूल में विद्यार्थियों की उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक, वही पीछे जो हम लोग पढ़ रहे थे तो उनके संकेतक दिए गए हैं कि कैसे क्या क्या था, और इसके बाद किस चीज़ की क्या क्या उपलब्धता है। भाग 11 में आपको भरना है कि क्या स्कूल आपदा प्रबंधन योजना तैयार की गई है, क्या संरचनात्मक सुधार लेखा परीक्षा की गई है, क्या गैर संरचनात्मक सुरक्षा लेखा परीक्षा की गई है, क्या स्कूल में CCTV कैमरे उपलब्ध हैं, यानी ये ढेर सारी चीज़ें जो अगर लागू हों तो आप उन्हें भर लेंगे। और अब हम बढ़ते हैं अगला आपका पेज जो है वो भी इसी की ओर संकेत करता है कि क्या मार्गदर्शन, परामर्श, माता पिता की संवेदनशीलता, जितनी चीज़ें हैं क्या आपके यहाँ कुछ ऐसा अगर कराया गया है तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। और हम अब बढ़ते हैं अगले पेज पर जो कि अंतिम है, और इसमें है विद्यालय प्रभारी के द्वारा घोषणा, यानी जिसने भरा है तो मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि डाटाबेस यानी जो DCF भरा गया है ये सब सही है, और इसमें कोई बदलाव होगा तो मैं इसे तुरंत सूचना कर दूंगा। अपना नाम और अपना हस्ताक्षर कर देना है, पद लिख देना है और अपनी मुहर लगा देनी है और तारीख डाल देनी है। बाकी जो दोनों आगे की चीज़ें हैं वो CRC द्वारा सत्यापन किया जाएगा, चूँकि आपके ही सत्यापन से CRC भी अपना सत्यापन करेगा। तो शायद ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई इसमें डाउट हो तो कृपया आप हमारे नंबर पर भी विजिट कर, मतलब हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। तो बाकी मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। वीडियो बहुत बड़ी हो गई है। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद, वंदे मातरम।